पुरानी कहानियां बताती हैं एक पौराणिक योद्धा के बारे में जिसकी कंग फू तकनीक बस देखते ही बनती थी। वो यहां वहां भटकता रहा काबिल दुश्मनों की तलाश में। तो तुम्हें चबाना पसंद है, शायद पहले तुम्हें मेरी मुट्ठी पर चबाना चाहिए। योद्धा ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका मुंह भरा हुआ था। फिर उसने निगल लिया और फिर वो बोला, बातें बहुत हो गई, चलो लड़े। वो इतना खतरनाक था कि उसके दुश्मन उसका कमाल का हुनर और लड़ाई का ढंग देखकर दंग रह जाते। मेरी आंखें, ये लाजवाब है और खूबसूरत। हम तुम्हारा एहसान कैसे चुकाएंगे? धासु पने का कर्ज उतारा नहीं जाता, ना खूबसूरत पने का। इससे फर्क नहीं पड़ा कि उसने कितने दुश्मनों का सामना किया, वो उसके धासुपने के सामने टिक नहीं पाए। इससे पहले कभी कोई पांडा इतना भयानक नहीं था और प्यारा भी, बल्कि चीन के सबसे जाबाजी भरे जाबाज भी, यानी खतरनाक पांच ने उसके हुनर के आगे सिर झुका दिया। हमें साथ रहना चाहिए। अग्रीड। यस। पर साथ रहने के लिए जरूरी था इंतजार, क्योंकि जब आप राक्षस पहाड़ के हजार राक्षसों का सामना कर रहे हो, सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता था और वो था। ओ, ओ, चलो उठो वरना काम के लिए देर हो जाएगी। क्या? चलो उठो। तुम वहां ऊपर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। मंकी, मैंटिस, क्रेन, वाइपर, टाइग्रेस। ओ, जल्दी करो, तुम्हें देर हो चुकी है। आया। ओ, ओ, माफ करना डैड। माफी से सेवैया नहीं बनती। तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे थे, इतना सारा शोर? तो कुछ नहीं, बस एक अजीब सपना देखा था। किसका? हाँ, तुम किसका सपना देख रहे थे? किसका सपना? मैं सपना देख रहा था सिवैयों का। सिवैया का? तुम सच में सिवैया का सपना देख रहे थे? हाँ, तो मैं क्या सपना देख सकता हूँ। ओ, जरा संभल कर, वो शोरबा तीखा है। ओ, क्या बात है, मेरे बच्चे ने आखिर सिवैया का सपना देखा। तुम नहीं जानते मैंने इस पल का कितना इंतजार किया है। ये निशानी है पो। किस चीज की निशानी? अब तुम पूरी तरह से तैयार हो जब मैं तुम्हें अपनी खास सामग्री बता सकूं, अपने खास सामग्री वाले शोरबे की, और फिर तुम अपनी मंजिल पा सकोगे और मेरी इस ढाबे की जिम्मेदारी लोगे, जैसे कि मैंने ली थी अपने पिता से, जिन्होंने ली थी अपने पिता से, जिन्होंने ढाबा जीता था एक दोस्त से चौसर की बाजी में। डैड डैड डैड, वो सिर्फ एक सपना था। नहीं, वो सपना था, हम नूडल यार हैं, खाना बनाना हमारी रगो में बहता है। पर डैड, क्या मैंने बताया? अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मेरा मतलब सेवैयों से कुछ हटकर। असल में जब मैं जवान और जोशीला था तब मैंने सोचा घर से भागकर टोफू बनाना सीखूं। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक बेवकूफी भरा सपना था। जरा सोचो तो, मैं और टोफू।
नहीं, हम सबकी इस दुनिया में एक जगह है, मेरी यहाँ है और तुम्हारी जानता हूँ यहाँ है। नहीं, जाओ जाकर दूसरी पांचवी साथी और बाकी मेज पर दे दो, इसे जरा हंस कर देना।